निदेशालय ने पात्राचौर जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को तलब किया है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक वर्षा राउत के खाते में लेन देन की जानकारी सामने आने के बाद छानबीन को लेकर केंद्रीय एजेंसी की ओर से यह समन जारी हुआ। उधर अदालत में पेश किए जाने पर शिवसेना नेता संजय राउत का दर्द छलकाया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार को यहां एक विशेष अदालत को बताया कि हिरासत के दौरान केंद्रीय एजेंसी ईडी ने उन्हें एक ऐसे कमरे में रखा जिसमें कोई खिड़की और वेंटिलेशन नहीं था। राउत ने PMLA से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष अदालत के न्यायाधीश MG देशपांडे के सामने ये बात कही। हालांकि अदालत ने संजय राउत की ईडी हिरासत 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। मालूम हो कि ईडी ने गोरेगांव में पात्राचौल के पुनर्विकास में धांधली और कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में रविवार आधी रात को शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ्तार किया था। दूसरे दिन सोमवार को ईडी ने संजय राउत को विशेष अदालत के समक्ष पेश किया। इसके बाद अदालत ने संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। रिमांड खत्म होने पर एजेंसी ने गुरुवार को संजय राउत की विशेष अदालत में एक बार फिर पेशी हुई, जिसके बाद उनकी ईडी हिरासत बढ़ा दी गई है। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।